अब खबरें विस्तार से। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी पर भरोसा कर छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने भाजपा को समर्थन दिया और सरकार बनाने में भरपूर सहायता की। महतारी वंदन योजना से महिला वर्ग सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ, जिसे अब लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। कोरबा जिले में इस योजना के आवेदन पर काम शुरू हो गया है, इससे महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और विकास के सभी क्षेत्रों में उसका अपना योगदान सुनिश्चित हो रहा है। चुनाव में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, इसलिए राजनीतिक दल उसे लेकर काफी गंभीरता दिखा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा की थी। योजना से जुड़े नियम शर्तें अब सामने आए हैं और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 20 फरवरी तक इस काम को जारी रखा जाएगा। कोरबा के बुधवारी बाजार क्षेत्र में योजना के अंतर्गत महिलाओं ने आवेदन भरे और एक अच्छी कोशिश के लिए प्रधानमंत्री व राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। महिलाओं ने बताया कि खाते में सीधे 1,000 रुपये की धनराशि आने से उनके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे और 5 साल में उन्हें काफी फायदा होगा। महतारी वंदना जो है योजना है, उसके लिए मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत खुश है हम लोग महिलाएं लोग को, जो कि 1,000 हर माह में आ जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डेट में 5 तारीख से फॉर्म भरा रहा है महतारी वंदना, उसमें सभी लोग आकर के यहाँ फॉर्म भरवा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे मोदी जी का जो ये काम है, सब बहुत बहुत खुश हैं। अब सुविधा मिलेगी कि राशन पानी हर के लिए अच्छा रहेगा, 1,000 पैसा आएगा। ये जो मोदी जी की जो गारंटी योजना है, जो प्रति माह 1,000 देने की बात हुई है, उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ फॉर्म लेने के लिए और बाकी सब महिलाएं आई हैं वार्ड की। और ये जो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो जो हम लोग महिलाएँ हैं जो हमको पैसे के लिए पति से 1,000-1,200 कुछ मांगना पड़ता था, अब हमको मांगना भी नहीं पड़ेगा। जो घर बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, कहीं फीस की प्रॉब्लम होती थी, अब हमको अपने पति से हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। महिलाओं को इस योजना को लेकर जागरूक करने की कोशिश भाजपा महिला मोर्चा की ओर से भी की गई। भाजपा नेत्री मंजू सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है और यह योजना इसी का एक बड़ा हिस्सा है। महतारी वंदन योजना हमारे मैनिफेस्टो में, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार बनने से पहले हमारे मैनिफेस्टो में बोला गया था कि महतारी वंदन योजना हम लागू करेंगे, उसमें हर महीना हर बहनों को 1 महीना उनका सीधे खाता में चले जाएगा। ये बहनों के लिए बहुत एक सहायक हो जाएगा और साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 वो बहनों को सीधे खाता में जाएगा। उसी योजना को लागू करने के लिए अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट का बैठक हुई थी, उसमें ये लागू किया गया, फॉर्म्स भरना शुरू हो गया। 1 मार्च से 1,000 सीधे बहनों का खाता में जाएगा। सभी बहनें बहुत खुश है। उसी के अवसर में आज बुधवारी में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी बहनें, भाजपा की बहनें, महिला कार्यकर्ता भैया लोग सभी मिलके इसका सहयोग भी कर रहा है। प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई है कि महतारी वंदन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त करने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिकृत किया गया है, जहाँ पर अंतिम रूप से 20 फरवरी 2024 तक इस योजना के आवेदन लिए जाएंगे। पात्रता रखने वाली विवाहित महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना है। प्रशासन ने महिलाओं को कहा है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए अपने आसपास में सक्रिय बिचौलियों और दलालों से दूरी बनाए रखें। कोरबा से पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।